नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी पूरे एग्ज़ाम्स, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया पे, इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके पीसीएस, स्टेट पीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, सी टेट, और आपके जितने भी छोटे एसएससी लेवल के भी एग्ज़ाम्स हो गए, रेलवे लेवल के भी एग्ज़ाम्स हो गए, जहाँ भी ज्योग्राफी पूछी जाती है, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण सेशन होता है। तो हम लोग पहला पार्ट देखे थे भारत के परिचय में, पहला पार्ट देखे थे और भारत का एक प्रारूप, परिचय, भारत के बारे में समझे थे। आज फिर से हम लोग थोड़ी सी चर्चा बढ़ाएंगे आगे, और आज और इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग जो इंडियन आपका यह आपका हिंद महासागर है, इसकी राजनीतिक स्थिति क्या है, है ना, राजनीतिक स्थिति क्या फर्क पड़ा है इस पर, पुर्तगाली हो गए, यूरोप हो गए, मतलब इस पर भारत की और विदेशों से लड़ाई किस प्रकार से हुई है, बहसबाजी, तो इसके बारे में हम थर्ड एक पार्ट और आएगा भारत के परिचय पे। इसके बाद विधिवत खत्म हो रहा है दोस्तों, आप बिल्कुल चिंता ना करेंगे, ठीक है ना, आराम से पढ़ते चलिए मनोरंजन के साथ, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर रहे थे, अब एक बात और आपको पूरा अच्छे तरीके से बता देते हैं, भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। देखिए, जब भारत दोस्तों बन के तैयार हुआ था, 14 राज्य थे, कितने थे, 14 राज्य थे, और भारत के सारे राज्यों का जो कम्बिनेशन है, जो कह लीजिए कि जो समरूपता बढ़ता चला गया और विखंडित होते चले गए, वह कोई भाषाई आधार पर था, कोई राज्य के विवादित क्षेत्रों, राज्य के विवादित जिलों के हिसाब से हो गया। जैसे कि आप कर्नाटक और केरल में इस समय देख रहे हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं आप, जो आपका जहाँ पर गांधी जी ने कांग्रेस 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन किया था, INC का अधिवेशन किया था बेलगांव, वो बेलगांव पर बहुत ज़्यादा विवाद है, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे पड़ता है, है ना। तो आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकता है इन दोनों का विभाजन, ठीक है ना। और एक और है दोस्तों, यहाँ पर असम में कुछ तीन चार जिले हैं असम राज्य के, असम राज्य जो हमारा यहाँ पर पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में, जिसे सेवन सिस्टर कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य असम, उसमें कुछ जिले हैं, कुछ जिले टूट कर अलग मांग कर रहे हैं, अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, है ना, तो यह भी एक विवादित क्षेत्र है। तो इस प्रकार से भारत में 14 राज्य थे स्टार्टिंग में, लेकिन अब की स्थिति अगर देखेंगे दोस्तों, 2019 से पहले तो भारत में 29 राज्य थे, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अभी हाल में 5 अगस्त यानी कि 5 अगस्त 2019 को दोस्तों, 2019 में आपका जो जम्मू एंड कश्मीर था वह ब्रेक कर दिया गया और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख। लद्दाख में 2 ज़िले हैं, लेह और कारगिल। लेह जो है दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है पूरे भारत का, पहला क्या है, कच्छ है। हम पूरी विस्तार से सारी चीज़ें बताएंगे, आप बिल्कुल अभी लिखिएगा नहीं, हम बोलेंगे कैसे लिखना, अभी तो पूरा भूमिका बना लें थोड़ा सा। तो 5 अगस्त 2019 को भारत का फिर से एक राज्य को तोड़ के 2 यूटी बना दिया जाता है, और इसके बाद इसके कुछ दिन बाद ही 2019 में ही कुछ दिन बाद ही जो आपका गुजरात में और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पड़ता है, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे पड़ता है, जिसका नाम क्या है तो बताएंगे, जिसका नाम है दोस्तों, आपको पता है ना, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप है, यहाँ पे आपका पुदुचेरी है, और यहाँ पे आपका क्या पड़ता है, दो राज्य हैं ना, 2 यूटी हैं, उनका नाम क्या है बताइए फटाफट, क्या नाम है उनका और इधर तो हो गया आपका क्या, देखिए यहाँ पे पड़ जाते हैं आपके, कौन सा नाम है बेटा, देखिए ध्यान से थोड़ा सा, कौन से नाम है, देखिए माहे हो गया, उधर तो माहे और पुदुचेरी अनम तो इधर पड़ जाता है, है ना, अंडमान निकोबार दूसरी तरफ पड़ जाते हैं आपके, हाँ दमन दीव, क्या नाम है, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, दमन दीव और दादर नगर हवेली को भी कुछ दिन बाद ही इसके बनने के 2 दिन या फिर कुछ दिन बाद ही इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया, मतलब ये तो यूटी अलग अलग थे लेकिन बाद में इन्हें एक यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया दोस्तों। तो इस प्रकार से इस प्रेजेंट टाइम में इस समय अगर देखेंगे तो भारत के पास 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं हम बताते हैं, पहले 28 राज्य की चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, गुजरात राजस्थान हरियाणा
पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ दीजिए, पहले पहले हिमाचल प्रदेश, पहले राज्य की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बिहार के बाद यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है जो कि बांग्लादेश से टूट के बना था, वेस्ट बंगाल के बाद यहाँ पे पड़ जाता है आपका, यहाँ पर पड़ जाता है मेघालय। मेघालय, मेघालय की एक बहुत बड़ी खासियत है, हम बताते हैं अभी, मेघालय, मेघालय के बाद असम, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे नागालैंड, नागालैंड के जस्ट नीचे पड़ जाता है आपका क्या दोस्तों, मणिपुर, मणिपुर से सटा हुआ मिजोरम है, फिर यहाँ पड़ जाता है त्रिपुरा। ये तो नॉर्थ ईस्ट के हो गए। इधर आ जाते हैं पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे उड़ीसा पड़ता है, उड़ीसा के जस्ट नीचे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे ही पड़ जाता है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु का ही सबसे लास्ट जिला है कह लीजिए कन्याकुमारी, जो कि हमारे पूरे भारत के मुख्य भूमि का भी लास्ट छोर है, जो 8 degrees 4 minutes है, ये आपको बताया गया था। इसके बाद यहाँ पे केरल है, केरल के बाद ऊपर चलते हैं थोड़ा सा तो कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद गोवा, गोवा महाराष्ट्र के अंतर्गत ही आ जाता है, एक छोटा सा, सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य है भारत का गोवा, गोवा के बाद आ जाता है महाराष्ट्र, ये हो गया हमारे तटीय वाले। अब देखिए बीच में है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तो पूरे के पूरे राज्य हो गए। अब हम बात करते हैं यूटी की, यूटी कितने भारत में, 8 हैं, कौन कौन से हैं भैया, तो बताएंगे आपका, पहले तो दिल्ली ही यूटी है जो हमारा भारत का राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, इसके बाद हरियाणा, पंजाब का कैपिटल जो चंडीगढ़ है वो भी एक यूटी ही है जो कि 1961 में बना था, याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद अंडमान निकोबार जो सबसे बड़ा यूटी है दोस्तों, अंडमान निकोबार याद रखेंगे, उसके बाद सबसे छोटा यूटी लक्षद्वीप, इसके बाद दमन दीव और दादर नगर हवेली आपको पता है दोनों मिलाकर एक कर दिए गए तो यहाँ से एक मिल गया, इसके बाद पुदुचेरी, इतने हो गए हमारे यूनियन टेरिटरीज, आपको पता होना चाहिए। अब दो और हैं जो नए हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये दो और हो गए, इस प्रकार से 8 हो जाते हैं। अब चलिए आगे चर्चा करते हैं, अब आपने लिखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा होगा तो अब से लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हमको, हमने कल बताया था आपको, नेक्स्ट जो एक वीडियो आई थी उसमें बताया गया था आपको कि भारत के जो तटीय राज्य हैं, तटीय राज्य नहीं ऊपर स्थलीय राज्य जो भारत के हैं, कि स्थलीय देश, स्थलीय राज्य से सटे हुए भारत के स्थलीय देश कौन कौन से हैं, तो हमने बताया था पाक है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है और म्यांमार और बांग्लादेश है। अब आपको लिखते चलना है जो भारत बांग्लादेश की सीमा है वह सबसे बड़ी सीमा है भारत और बांग्लादेश के बीच में, बॉर्डर शेयर करता है यहाँ से पूरा लेकर दोस्तों, यह पूरा का पूरा सबसे ज़्यादा शेयर करता है। और यह देख रहे हैं मिजोरम, त्रिपुरा, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है भारत का, एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ है, यह बहुत बार पूछा गया है, तो लिखिएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ भारत कितना बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों, कितने किलोमीटर, तो याद रखेंगे बांग्लादेश के साथ जो भारत बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों 4,096.7 kilometers, यह लिख लेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है दोस्तों क्या, चाइना, भारत और, भारत और चाइना, भारत और चीन, मतलब कि चीन के साथ भारत का जो बॉर्डर शेयर होता है दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है दोस्तों 3,488 kilometers, कितना 3,488 kilometers। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर जो शेयर होता है भारत का दोस्तों, कितना शेयर होता है तो बता देंगे 3,323 kilometers। चौथे स्थान पर नेपाल आ जाता है, जैसा कि आपको देखने से लग रहा है नेपाल, तो याद रखेंगे नेपाल चौथे स्थान पर बॉर्डर भारत से कितना शेयर करता है दोस्तों, तो 1,751 kilometers, 1,751 kilometers लिखते चलिए। इसके बाद पाँचवें नंबर पर जो आ जाता है दोस्तों, पाँचवें नंबर पर क्या आ जाता है, नेपाल हो गया, नेपाल के बाद पहले बांग्लादेश हुआ, चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, नेपाल हुआ, म्यांमार आ जाता है, म्यांमार, म्यांमार आ जाता है दोस्तों पाँचवें नंबर पर, कितना बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों 699 kilometers, 699 kilometers बॉर्डर शेयर करता है। एक मिनट, म्यांमार है ना, तो म्यांमार तो ज़्यादा शेयर करता है, यह तो भूटान का हो गया, म्यांमार कितना शेयर करता है दोस्तों 1,643, म्यांमार कितना शेयर करता है 1,643 kilometers बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद छठे नंबर पर आ जाता है दोस्तों भूटान, भूटान 699 kilometers बॉर्डर शेयर करता है, भूटान 699 kilometers बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों, भूटान के बाद आ जाता है आपका अफगानिस्तान, जो कि पाक ऑक्युपाइड में पड़ता है, लेकिन अगर पाक ऑक्युपाइड को हम भारत में मानते हैं तो भारत का क्या हुआ, पड़ोसी देश हुआ हमारा अफगानिस्तान, है ना, इससे बहुत ज़्यादा रिलेशन इस समय भारत बना रहा है आपको पता है तालिबानियों से, तो अलग मुद्दा है करंट का, उसमें हम लोग करंट में चर्चा कर रहे हैं, आप लोग करंट का वीडियो देखिए।
अगर बात करें अफगानिस्तान का दोस्तों, तो अफगानिस्तान से भारत बॉर्डर से कितना करता है, 106 किलोमीटर। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से और सबसे कम अफगानिस्तान से भारत का बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है। अब इसके बाद हेडिंग लगा लेंगे, आप लोग आगे लिख लीजिएगा, ये तो लिख लिए होंगे, इसको मिरेज कर दिए, नहीं लिखे होंगे तो भैया फिर से आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। देखिए आप लोग बेहतरीन तरीके से नोट्स प्रिपेयर करते चलिए, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, सीमा पर अवस्थित भारत के, जैसे भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की ही बात करते हैं। अब पाकिस्तान का थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो गया है, क्या जो भारत, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर यहाँ तक था दोस्तों, है ना, तो केवल जम्मू एंड कश्मीर था, लेकिन अब लद्दाख से भी बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान और जम्मू एंड कश्मीर से भी शेयर करता है। तो याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो कि पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर होता है, तो बताएंगे लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब पाकिस्तान कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, तो बता देंगे दोस्तों गुजरात, नीचे देखिएगा अभी दिखाते हैं मैप में, गुजरात लिख लीजिए पहले, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, पंजाब, इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों, इसके बाद आपका लद्दाख। देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं दोस्तों किसका, चीन का। चीन से भारतीय राज्य कितने हैं जो बॉर्डर शेयर होते हैं, देखिए इसमें कितने हो गए, 1, 2, 3, 3 तो राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, है ना, पाकिस्तान के साथ। चीन के साथ देखिएगा लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ, प्लस हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अब यूपी नहीं है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के बाद सीधे आप किधर पे आ जाएंगे, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम, जो ये देख रहे हैं सिक्किम है हमारा अंगूठे के आकार का, सिक्किम प्लस अरुणाचल प्रदेश, 1, 2, 3, 4 चार राज्यों से यह बॉर्डर शेयर करता है, प्लस एक लद्दाख, यानी कि मिला जुला कर अगर देखा जाए तो 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हम किसकी तरफ, नेपाल की तरफ। नेपाल सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है किससे, उत्तर प्रदेश से। तो याद रखेंगे नेपाल कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बिहार के बाद आपको पता है वेस्ट बंगाल का ऐसे थोड़ा सा पार्ट घुमा हुआ है, तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल प्लस सिक्किम, तो 5 से भी करता है हमारा नेपाल भी। नेपाल कितने राज्यों से करता है, 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, भूटान की बात कर लेते हैं। भूटान से देखिएगा यह लगा हुआ, पश्चिम बंगाल भूटान से नहीं लगा हुआ है, ये चीज़ याद रखेंगे, लगा हुआ है जी, लगा हुआ है, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल भी भूटान से लगा हुआ है, तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम, असम हो गया और यह अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो 4 भूटान से कितने हो गए, 4 राज्य, भारत के 4 राज्य जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात करते हैं, बीडी लिख लेते हैं, कितने राज्य हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश से, तो बताइए कि जो सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है, असम शेयर करता है दोस्तों, कौन सा, असम, याद रखेंगे असम सबसे कम शेयर करता है, इसके बाद पश्चिम बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल हो गया, फिर असम हो गया, यहाँ पर आपका स्थित है क्या, यहाँ पर स्थित है आपका मेघालय, मेघालय हो गया, फिर त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 5 राज्य जो है कि भारत के, बांग्लादेश से भारत, भारत के राज्यों का बॉर्डर शेयर होता है, 5 राज्य हैं इसमें भी। इसके बाद म्यांमार है, म्यांमार में आप देख सकते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है हमारा, यह वाला पूरा, तो सिनेरियो पूरा दिख रहा है आपको, अगर आपको इधर वाले राज्य पूरा क्रम से याद है तो बता सकते हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे पड़ता है नागालैंड, तो नागालैंड हो गया, नागालैंड के जस्ट नीचे पड़ता है मणिपुर, तो मणिपुर हो गया, मणिपुर के जस्ट नीचे पड़ता है मिजोरम, ये 4 राज्य, 1, 2, 3, 4 ये चारों के चारों राज्य म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हेडिंग लगा लीजिएगा, देश की अंतिम सीमा, देश की अंतिम सीमा, याद रखेंगे पूरे भारत देश की अंतिम सीमा क्या है, मतलब कि दक्षिणतम पॉइंट का नाम क्या है, उत्तरतम, उत्तरी बिल्कुल पॉइंट का नाम क्या है, पश्चिमतम, पश्चिमतम पॉइंट का नाम क्या है, सबसे पश्चिम क्या है और सबसे पूर्वी के पॉइंट का नाम क्या है। हम लोग अक्षांश और देशांतर तो देख लिए थे, अब नाम क्या है, किस नाम से इसे बुलाते हैं, याद रखेंगे। जो दक्षिणतम पॉइंट है भारत का, दक्षिणतम हमने देखा था भाई, दक्षिणतम कितना था कल वाले वीडियो में हमने देखा था, 6 degree 4 minute था, जो कि कहाँ पे था, अंडमान निकोबार में था, 8 degree 4 minute मुख्य भूमि थी भारत की जो कि कन्याकुमारी में थी। तो दक्षिणतम है दोस्तों, इसका नाम क्या है, तो बता देंगे जो दक्षिणतम पॉइंट है यहाँ पर, अब तो ये डूब चुका है,
है ना, पानी में बिल्कुल डूब गया है, तो बता देंगे जिसका नाम है भारत का दर्शितम पॉइंट का इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट दोस्तों, इसको लिख लीजिए कॉपी पे। अब यह कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है, यह भी लिख लेंगे, ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है ना। और इसके बाद तरतम, सबसे उत्तरी पॉइंट, उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु। अभी तक हमने याद कर रखा था सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब लद्दाख में है। कहाँ पर? लद्दाख में। बदल गया सिनेरियो थोड़ा सा, तो लिख सकते हैं जो उत्तरी बिंदु है जो सबसे, वो इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम और इंदिरा कॉल ऊपर। कॉल कहाँ से आता है? ऊपर से आता है, बुलावा। और इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कहाँ लगाते हैं हम लोग? कॉपी पे नीचे लगाते हैं। तो याद रखेंगे नीचे का मतलब दक्षिणतम और ऊपर का मतलब इंदिरा कॉल, ठीक है ना। इंदिरा कॉल कहाँ पे है दोस्तों? उत्तर में है, यानी कि लद्दाख में है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु भारत का कौन सा है? तो पश्चिमी बिंदु दो है दोस्तों, याद रखेंगे। पश्चिमी बिंदु पे विवाद चल रहा है जिसका नाम एक है सर क्रीक। क्या नाम है? सर क्रीक, जो कि गुजरात में स्थित है दोस्तों। सर क्रीक दोस्तों एक तरह से एक वाटर बॉडी है, एक झील है, एक लेक है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान मानता है कि जो हमारा सर क्रीक है यहाँ से होकर, मान लीजिए जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे देख बना देते हैं, मान लीजिए यहाँ से होकर जाता है सर क्रीक, और इसके बाद वाला यह वाला बॉर्डर भारत मानता है, लेकिन जो पाकिस्तान मानता है यह वाला बॉर्डर मानता है, और इस पर भारत का पूरा कब्जा है, है ना। जैसे कि पीओके वाले पॉइंट पे पाकिस्तान का कब्जा है लेकिन वो भारत अपना मानता है, उसी तरफ जो सर क्रीक है उसे पाकिस्तान अपना मानता है लेकिन भारत का कब्जा है। तो याद रखेंगे सर क्रीक भी लास्ट पॉइंट अगर देता है ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में आपके सर क्रीक हो या फिर सर क्रीक के बाद गौर माता, गौर माता, गौर माता, यह दोनों में से कोई मिल जाए तो आप पश्चिमी बिंदु लगा देंगे। गौर माता भी है, सर क्रीक भी है। सर क्रीक से भारत और पाकिस्तान का विवाद चल रहा है, जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 97 डिग्री 25 मिनट, यही था इसका नाम ना, बताया था हमने, देशांतरी लाइन, पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता था ना। और यह हम इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? याद रखेंगे जो हमारा पूर्वोत्तर बिंदु है, सबसे पूर्वोत्तम बिंदु से कीबीथू कहते हैं। क्या कहते हैं? कीबीथू कहते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यह चीज़ें लिख लेंगे। अगर पूछा जाता है भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या है, तब तो कन्याकुमारी लगा देंगे, ठीक है ना, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए लिख लिए होंगे, इसको इरेज कर देते हैं। अब भारत के कुछ चैनल के बारे में बात कर लेते हैं। चैनल याद रखेंगे, चैनल का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। चैनल का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कि कोई अब बड़ा सा भूमिखंड है और कोई यहाँ सा भूमिखंड है, तो इनके बीच में जो वाटर बॉडी है ना, बस उसी को चैनल कहते हैं। पता है, इसको तीन नाम से जानते हैं, चैनल भी, खाड़ी भी और स्ट्रेट, इस तीनों नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। किसको? जो दो भूमिखंडों के बीच में थोड़ी सी वाटर बॉडी होती है, अपनी क्रॉस करती है, अलग करती है दो भूमिखंडों को, उसी को कहते हैं चैनल, खाड़ी या फिर स्ट्रेट, ठीक है दोस्त। चलिए अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं आप लिखते चलेंगे। अगर हम बात करें, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, यह श्रीलंका है आपका, श्रीलंका। अगर हम बात करें इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया, ये इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट के नीचे इंडोनेशिया देश पड़ता है, जो कि दक्षिण पूर्वी देश कहलाता है, ठीक है ना। मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, और आपका सिंगापुर हो गया, ये सब क्या है? हमारे दक्षिण ईस्ट के कंट्री हैं, ठीक है ना। एशिया के दक्षिण ईस्ट में पड़ते हैं, याद रखेंगे। अब यहाँ पर पड़ता है हमारा क्या? सबसे लास्ट वाला पॉइंट इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के बीच का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं कौन सा चैनल? ग्रेट चैनल। क्या कहते हैं? ग्रेट चैनल। लिखते चलेंगे नेक्स्ट। अगर बात करेंगे लघु अंडमान, कौन दोस्तों? लघु अंडमान और कार निकोबार। आपको पता है जो अंडमान है, अंडमान तीन क्षेत्र में बटा है, चार द्वीप में कह लीजिए। सबसे ऊपर उत्तरी अंडमान, फिर आपका मिडल अंडमान, फिर आपका दक्षिणतम अंडमान, फिर पड़ जाता है कौन सा? यहाँ पर फिर पड़ता है लघु अंडमान। याद रखेंगे लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में पड़ता है 10 डिग्री लाइन, 10 डिग्री का चैनल, ये बात याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका, जो आपका यह लक्षद्वीप देख रहे हैं, लक्षद्वीप के नीचे मिनिकॉय पड़ता है, मिनिकॉय के नीचे मालदीव पड़ता है। तो आप देख रहे हैं पहले लक्षद्वीप है, फिर मिनिकॉय है, फिर मालदीव है। तो हम अगर 0 डिग्री से चलना स्टार्ट करें, देशांतर से 0 डिग्री भूमध्य रेखा से चलना स्टार्ट करें ऊपर की तरफ, तो पहले क्या पड़ेगा? पहले 8 पड़ेगा, फिर 9 पड़ेगा, यही तो। तो 8 डिग्री जो चैनल है म्यांमार, सॉरी आपकी मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, मालदीव देश है, मिनिकॉय एक द्वीप है भारत का, याद रखेंगे। और 9 डिग्री जो चैनल है दोस्तों,
लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच में पड़ता है। देखिए यम और यम सेम है, तो जीरो को अगर ऐसे ऐसे कर दें तो आठ बनेगा, ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह जीरो जीरो यह चीज हो गया। एक मिनट वीडियो देख लेते हैं चल रहा है या फिर नहीं, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है भाई वीडियो तो चल रहा है, आप देखिए समझिए यहां पर यह जीरो सेम है, क्यों? क्योंकि यम और यम सेम है, इस वजह से 8 डिग्री जो चैनल है दोस्तों यम और यम के बीच में, यानी मिनीकॉय और मालदीव के बीच में, क्लियर है। मिनीकॉय के ऊपर लक्षद्वीप पड़ता है, तो लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल पड़ता है, ये बात याद रख लेंगे, इधर वाला सिनेरियो क्लियर है। अब आगे चलते हैं, सारी बातें लिखते चलेंगे, ये हमारे काम की है, बहुत बड़ी काम की है दोस्तों। एक पार्ट और आएगा, भारत का परिचय खत्म, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका जो भी भारत का जितने भी मिट्टियां हैं, फिर उसके बाद भारत के जो खनिज संसाधन कैसे मिलते हैं, ये सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। पूरी चीज़ें विधिवत पढ़ेंगे, जहां पे हमको लगेगा आपको थोड़ा सा ट्रिक देना चाहिए ट्रिक भी देंगे, अच्छे से देंगे, लेकिन ट्रिक का सिनेरियो थोड़ा अलग हो जाता है ना। ट्रिक से पढ़ने का मतलब है कि सिर्फ एग्ज़ाम निकालते हैं आप केवल प्री, लेकिन अगर मेंस तक जाना है किसी एग्ज़ाम के, जैसे पीएससी वगैरह के लेवल तक का मेंस तक जाना है, तो आपको विधिवत पढ़ना पड़ेगा जिस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है। अगर हम बात करेंगे दोस्तों, मालदीप हो गया, मिनीकॉय हो गया, अब अगर भारत और श्रीलंका के बीच की बात करें, दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में, तो याद रखेंगे कौन सा खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है दोस्तों। एक है पाक स्टेट, उसे पाक की खाड़ी के नाम से जानते हैं, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, या फिर कर लीजिए भारत का जो राज्य है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है, क्या नाम है, पाक की खाड़ी, पाक स्ट्रेट भी उसे कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे पाक स्ट्रेट, पाक की खाड़ी, या फिर हम लोग क्या कहते थे, पाक चैनल, तीनों चीज़ें कहेंगे उसे, याद रख लेंगे। अब बात यहाँ पे आ जाता है, जो पाक जल डमरू मध्य है वो श्रीलंका और भारत के मध्य पड़ता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। और जो आपका आदम का ब्रिज एक है, पूछ लिया जाता है आदम का ब्रिज कहाँ पे पड़ता है, तो बता देंगे तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य ही स्थित है, जहाँ पर पाक स्टेट है, याद रखेंगे दोस्तों। यह आपका क्या है, आदम द्वीप के नाम से जाना है, द्वीप का मतलब पूरे पानी में एक छोटा सा ऐसा पार्ट पूरे पानी में तैर रहा हो, ठीक है, पूरा वाटर बॉडी है एक, उसमें छोटा सा जैसे बाल्टी में आप क्या करें, पत्ता वगैरह डाल दें, जो भी कोई भी पत्ते होते हैं वृक्ष के पेड़ के, उसको डालेंगे तो तैरेगा ना, उसी तरह आपका यह द्वीप जो है पूरे पानी पे तैरता है, उसे द्वीप बोलते हैं। पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, बता देते हैं आपको, ग्रीनलैंड। अगर आपसे पूछा जाता है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बताएंगे डेनमार्क द्वीप है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है पूरे एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बताएंगे कौन सा द्वीप, जो कि इंडोनेशिया का है एक द्वीप है दोस्तों, कौन सा द्वीप है, उसको हम कहेंगे बोर्नियो द्वीप के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर पूछा जाता है जापान देश का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बताएंगे होन्सू होकाइडो, क्यूसू, सिकोकू क्यूसू, इस प्रकार से चार मुख्य द्वीप हैं जापान के, तो जापान में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, होन्सू बोलेंगे, इस प्रकार से। लेकिन अगर आपसे पूछता है पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, जो छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, या फिर सबसे छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर सबसे बड़ा देश कौन सा बना है, तो बताएंगे इंडोनेशिया, जो कि एशिया का एक कंट्री आपको पता है ना। इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो याद रखेंगे भारत है ना, आदम का ब्रिज जो स्थित है दोस्तों तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। अब यही आदम का जो ब्रिज है दोस्तों, इसी पर एक पंबन द्वीप पर आदम का ब्रिज स्थित है, यह कह लीजिए आदम का ब्रिज जो कि कहाँ पड़ता है, भारत और श्रीलंका के मध्य पड़ता है, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो रामेश्वरम आपने पढ़ा होगा, रामेश्वरम कहा जाता है कि जब राम जी सीता के लिए जब लंका में जा रहे थे, श्रीलंका यानी यही लंका है, जब यहाँ पे जा रहे थे तो रामेश्वरम जो आपका ब्रिज है उसी से होके गए थे। इस वजह से भारत क्या एक तरह से पर्यटन स्थल के नाम से भी देखा जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है हर साल, कल बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पे घूमने आते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा, मतलब कि यहाँ से भारत का जो आय का स्रोत है काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे रामेश्वरम एक दोस्तों क्या है आपका ब्रिज है, कहाँ पर है, पंबन द्वीप के आसपास है, ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है ना, इसी पर स्थित है पंबन द्वीप पर।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारत का शीर्ष पांच सबसे बड़ा जिला, शीर्ष पांच सबसे बड़ा, अच्छा बताइए सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत का, तो बताएंगे राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन सा राज्य है भारत का, तो बता देंगे क्षेत्रफल के हिसाब से बात हो रही है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन सा है भैया, राजस्थान के बाद बता देंगे दोस्तों आगे पड़ जाता है मध्य प्रदेश। अच्छा राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो बता देंगे 3422239। इस तरह याद करेंगे याद हो जाएगा, हमें तो इसी तरह याद है, हम क्या किए हैं 3 4 4 का आधा 4 का आधा 2 3 का 2 गुना 4 का आधा 4 का आधा 3 का 2 गुना 4 का आधा 4 का आधा 3 का 2 गुना, इस तरह याद कर लेंगे। और 3 यहाँ पे है तो याद रखेंगे 4 से 1 कम 3 4 से 1 कम 3 हो गया 4 का आधा 4 का आधा 3 का 2 गुना, ठीक है ना, इस तरह याद कर लेंगे दोस्तों। 3 का 2 गुना का मतलब 3 3 का 9, 3 में 3 का गुणा कर दीजिए, 3 का 2 गुना का मतलब ये हो गया 3 गुणे 3, 3 का 3 गुना यह कह लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह याद कर लेंगे राजस्थान का यह क्षेत्रफल है इतने वर्ग किलोमीटर में। राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा इससे कम है, वहाँ पर हो जाता है 348245, यह हो जाता है किलोमीटर स्क्वायर। राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आ जाता है दोस्तों, महाराष्ट्र तीसरे नंबर, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर हुआ करता था, जम्मू कश्मीर अब दो राज्यों में दो केंद्र शासित प्रदेशों में टूट गया है, तो अब जम्मू कश्मीर चौथा नहीं रहा है, याद रखेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं जिलों की, जिला कौन सा बड़ा, अभी तो हमने राज्य देखा, अगर जिलों की बात करेंगे तो याद रखेंगे जिला सबसे बड़ा कच्छ का जिला है, कच्छ जो कि गुजरात में पड़ता है दोस्तों। उसका कितना दोस्तों क्षेत्रफल है, तो बताएंगे दोस्तों उसका जो कच्छ है जो गुजरात में पड़ता है, आपको पता है लूनी नदी जो कि यहीं पर एक पहाड़ी स्थित है वहाँ से निकलती है और गुजरात में आके विलीन हो जाती है कच्छ वाले जिले में, वहाँ से बहुत ज़्यादा नमक वगैरह निकाले जाते हैं कच्छ जिले से, है ना, दलदली स्थान है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लूनी नदी विलुप्त हो जाती है, तो एकमात्र नदी जो कि भारत से ही निकलती है भारत में विलीन हो जाती है तो लूनी नदी, ठीक है। अब ये कच्छ जिला पूरे भारत का सबसे बड़ा है, कितना इसका क्षेत्रफल है, तो 45652 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। दूसरे स्थान पर आ जाता है लेह, अगर कच्छ न होता अगर आपसे पूछता पूरे यूनियन टेरिटरीज में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो बताएंगे लेह जो कि लद्दाख का कैपिटल है। लेह और कारगिल लद्दाख का ही क्या है, जिला है, दो ही जिले हैं लद्दाख में, और जम्मू कश्मीर में तो 22 जिले हैं, अगर पाक ऑक्युपाइड वाला ले लेंगे तो 28 जिला हो जाएगा, लेकिन लद्दाख में केवल 2 जिले हैं, कौन कौन से, लेह और कारगिल। लेह दूसरा सबसे बड़ा जिला है पूरे भारत में अगर देखा जाए, लेकिन अगर यूटी में देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश में पहला सबसे बड़ा जिला होगा, ठीक है ना, इस चीज़ को लिख लेंगे। इसके बाद तीसरे स्थान पर आ जाता है, तीसरे चौथे पांचवें पर जैसलमेर बीकानेर, इसके बाद आ जाता है दोस्तों बाड़मेर। ये तीनों के तीनों जो जिले हैं ना, ये पता है कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं, और बहुत ही भयंकर है दोस्तों ये जिले, बहुत बड़े बड़े हैं, समझ रहे हैं, अगर इन तीनों को मिला देना तो हमारा नॉर्थ ईस्ट का पूरा निकल के आ जाएगा, मतलब इतने बड़े हैं, समझ लेते हैं तीनों को, अगर तब भी कम ही पड़ जाएगा, तब भी ये कम पड़ जाएगा अगर तीनों को मिला देंगे तो, समझ रहे हैं इतने बड़े, काफ़ी बड़े हैं, तो याद कर सकते हैं इस तरह से। अब एक बात और याद रखेंगे, अगर हम कहें भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, तो गोवा बता देंगे, लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछेंगे तो सिक्किम बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा यह जो आपका गोवा था कब आज़ाद हुआ था भारत में, तो बताएंगे दोस्तों 19 दिसंबर 1961 को आज़ादी मिली, देखिए यहाँ पर 19 है ना, तो यहाँ पर 19 इस तरह याद कर लेंगे, ठीक है ना, आज़ादी दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर बात करें कि इस पे ये किससे आज़ाद हुआ था, तो बताएंगे पुर्तगाल से, जो भारत में वास्को डी गामा आया था सबसे पहले 1498 में आया था, और 1510 के आसपास में पुर्तगाल ही एक क्या रहता है, पुर्तगाली रहता है जो कि कह लीजिए गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर क्या नाम रहता है उसका, अल करके कुछ नाम है, हम आपको हिस्ट्री में बताएंगे। तो पुर्तगाली जो रहता है गोवा पर अधिकार कर लेता है 1510 में, पूरे भारत में सबसे पहले अधिकारित क्षेत्र कौन सा है, सबसे पहले यूरोपीय के चंगुल में आने वाला जो क्षेत्र है गोवा था, और सबसे बाद में भी आज़ाद होने वाला भी हमारा यही क्षेत्र है गोवा, याद रखेंगे 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद मिला था दोस्तों। यह भी कह लीजिए बहुत मशक्क़त हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, इस पर बहुत ज़्यादा सेना का शासन वगैरह चलाया गया था, फिर जाके आज़ादी मिली थी, ठीक है ना, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट और बातें यहाँ पर क्या पूछी जा सकती हैं आपसे, अगर बात किया जाए तो कुल राज्य तो 28 हो गए और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए। अब बात करेंगे हम लोग जो भारतीय राज्य हैं उनके साथ, भारतीय मतलब भारत के साथ जो देश हैं वो कौन से बॉर्डर शेयर करते हैं,
कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। जैसे बात करेंगे भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, याद रखेंगे भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है जो कि भारत और चीन के लाइन डिसाइड करता है, बॉर्डर डिसाइड करता है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखेंगे। ये चाइना तो नहीं मानता है लेकिन हम मानते हैं और चाइना को भी मानना पड़ेगा क्योंकि हम मनवा के रहेंगे। ठीक है ना, आगे आगे देख लेते हैं कौन सा है दोस्तों। भारत और चीन के बीच हो गया तो आगे बता देंगे डूरंड लाइन, डूरंड एक है दोस्तों जो कि आज़ादी के पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। सर डूरेंड नाम था, सर हेनरी डूरेंड ने दोस्तों लगभग 1859 के आसपास में यह लाइन खींचा था यहाँ पर जो कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। लेकिन 1947 के बाद अब पाकिस्तान जब अलग हो जाता है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में हो जाता है। तो डूरेंड लाइन किसके किसके बीच में है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी लाइन है? तो रेड क्लिफ, रेड मतलब लाल, लाल हमेशा लाल तनातनी होता है ना दोनों देशों के बीच में, तो रेड क्लिफ याद रख लेंगे जिसको एक आपके इंग्लैंड के जो कि कह लीजिए कि सेना क्या बोलते हैं सेना अध्यक्ष थे दोस्तों उन्हीं के नाम पे रखा गया है 1947 में। ठीक है, इसके बाद एक बिल्कुल अहम क्षेत्र है जो हम आपको बताए थे दोस्तों, यहाँ पर क्या बताए थे कौन सा है आपका? पुदुचेरी। पुदुचेरी तो पता है आपको यहाँ पर पड़ता है आपका कर्नाटक, क्या पड़ता है सॉरी तमिलनाडु, यहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु और यहाँ पे पड़ता है कर्नाटक और यहाँ पे केरल है। ये केरल वाला इलाका देख रहे हैं, केरल वाला पूरा और इधर तमिलनाडु वाला, ये आपका कर्नाटक वाला, तमिलनाडु कर्नाटक केरल। अब आपका एक यूटी है दोस्तों जिसका नाम है क्या? पुदुचेरी। क्या नाम है? पुदुचेरी, पौंडीचेरी के नाम से जानते हैं, पौंडीचेरी कह लीजिए, पौंडीचेरी। इस पौंडीचेरी में चार जिले हैं, कितने? चार जिले। एक तो पौंडीचेरी खुद है, पौंडीचेरी पौंडीचेरी, एक तो कराईकल है जो इसका कैपिटल है, कराईकल 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 है याद रखेंगे। क्या नाम है दोस्तों? कराईकल, सही है ना, कराईकल ही है, हाँ हाँ बेटा सही है, ठीक है ना, कराईकल हो गया। कराईकल एक कवरती है, कवरती नहीं है दोस्तों, कराईकल ही है याद रखेंगे, कराईकल। इसके बाद दोस्तों एक पड़ जाता है आपका माहे, एक यनम, क्या? यनम। अब देखिए चार जिले हैं पौंडीचेरी में और जो यनम है और जो माहे हैं, माहे पूरे देश का सबसे छोटा जिला है और सबसे बड़ा जिला कच्छ, ठीक है याद रखें, सॉरी कच्छ नहीं, यहाँ पे क्या बोला गया था? कच्छ ही तो बोला गया था, कच्छ, हाँ कच्छ, ठीक है ना, ये बात याद रखें। सबसे बड़ा जिला कच्छ, पूरे भारत का सबसे छोटा जिला माहे, ठीक है क्षेत्रफल के हिसाब से। अब ये चारों के चारों जिले पौंडीचेरी के ही हैं, पौंडीचेरी खुद एक जिला है, तो ये चारों के चारों जिले तीन राज्य में फैले हुए हैं। जो यनम है दोस्तों ये पड़ जाता है हमारा कहाँ पे? तमिलनाडु में, कहाँ पे? तमिलनाडु में। और जो माहे है पड़ जाता है कर्नाटक में, सॉरी एक मिनट भैया, यह तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर केरल हो गया, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है बेटा, इसको याद रखिएगा, यहाँ पर कोई जिला नहीं पड़ता है कर्नाटक में। जो पौंडीचेरी का चारों जिले हैं, चारों जिलों में जो यनम पड़ता है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है यनम। और उसके बाद जो हमारा पौंडीचेरी और कराईकल पड़ता है, पौंडीचेरी और कराईकल, तो कवरत्ती होना चाहिए बेटा यहाँ पे, यहाँ कराईकल नहीं होगा, कुछ खटक रहा है हमें, कराईकल या फिर कवरत्ती, यहाँ पे कवरत्ती होना चाहिए, कवरत्ती कवरत्ती होना चाहिए, एक बार देखिएगा। कराईकल तो शायद लक्षद्वीप का कैपिटल है ना, यहाँ पे कवरत्ती होना चाहिए, देखिएगा एक बार। तो पौंडीचेरी यनम तो यहाँ पे पड़ता है और यहाँ पे पौंडीचेरी पड़ता है, तमिलनाडु में पौंडीचेरी और कराईकल कवरत्ती पड़ जाता है, कवरत्ती और पौंडीचेरी जो है कहाँ पड़ जाता है? तमिलनाडु में पड़ जाता है, आंध्र प्रदेश में यनम पड़ जाता है और माहे केरल में पड़ जाता है। ये चार जिले हैं जो कि तीन राज्यों में फैले हुए हैं, ठीक है ना। एक पार्ट और आपका छूट रहा है थोड़ा सा, बस इसके बाद सेशन समाप्त। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है पूरे तटीय भारत के तटीय वाले इलाकों में सबसे ज़्यादा तटीय बॉर्डर कौन शेयर करता है, सबसे ज़्यादा पानी से बॉर्डर शेयर कौन करता है, तो गुजरात। कितना शेयर करता है? सबसे ज़्यादा गुजरात कितना शेयर करता है बताएंगे? 1214 किलोमीटर, 1214। इसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आ जाता है, आंध्र प्रदेश कितना बॉर्डर शेयर करता है तटीय वाले मतलब कि पानी वाले बॉर्डर से, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश कितना शेयर करता है बताएंगे? 973.70 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है नीचे, उसके जस्ट नीचे तमिलनाडु, तो तमिलनाडु 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 तीसरे नंबर पर कितना बॉर्डर शेयर करता है? 906.90 किलोमीटर, ठीक है। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र, क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बॉर्डर शेयर करता है, कितना शेयर करता है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कितना? 652.60 किलोमीटर। इसके बाद ये तो आपका सिनेरियो है, सबसे ज़्यादा गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, ये बॉर्डर शेयर करते हैं तटीय वाले इलाके से, ठीक है, पानी बॉर्डर से। देखिए अगर आपसे पूछा जाता है पूरे भारत में द्वीप के साथ
कौन सा ऐसा राज्य है द्वीप के साथ केंद्र शासित प्रदेश को इंक्लूड करके कौन सा ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज़्यादा अपना तटीय राज्य है, सबसे बड़ा तटीय राज्य है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसका सबसे बड़ा तटीय वाला इलाका है? तो आप कहेंगे कि अंडमान निकोबार है। कितना है दोस्तों इसका तटीय इलाका, तो बताएंगे 1962.00 किलोमीटर, ये बता देंगे, ठीक है ना। कभी काल के पता है क्या करता है कि बताइए कि जो आपका सबसे बड़ा राज्य है भारत का, जो मतलब मुख्य भूमि का, भारत के मुख्य भूमि का सबसे बड़ा तटीय राज्य और द्वीप में सबसे बड़ा तटीय वाला इलाका, उन दोनों का एडिशन बताइए। तो यह 1962 और प्लस 1214 ऐड कर देंगे, ठीक है। एक और तथ्य है यहाँ पर, जो मेघालय है दोस्तों, मेघालय भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जो किसी एक देश और किसी एक राज्य से बॉर्डर शेयर करता है। तो यह प्रश्न तो कभी बना नहीं है, लेकिन बनेगा तो बिल्कुल महत्वपूर्ण बनेगा। मासिंदाम, चेरापूंजी, यह सब क्षेत्र हैं जो, जैसे गारो खासी जयंतियाँ, जो पहाड़ियाँ हैं, जो जनजातियाँ इसी जगह पाई जाती हैं। हम इसका एक विधिवत लेक्चर लेंगे, क्रम से ले रहे हैं, सब कुछ खत्म करेंगे धीरे धीरे। जो बीच बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा बता देते हैं वह हट के रहता है अपने लीक से, लेकिन हम आ जाएंगे फिर से, क्योंकि क्रम से बता रहे हैं तो थोड़ी चीज़ें जो आ जाती हैं उसको उसमें बता देते हैं आपको। तो याद रखेंगे मेघालय जो है एक देश और एक राज्य असम से बॉर्डर शेयर करता है सिंगल, और एक देश बांग्लादेश से, ठीक है ना। और जो त्रिपुरा है मिजोरम में, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश, त्रिपुरा एक ऐसा राज्य भारत का जो किसी देश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, एक तरफ से केवल भारतीय राज्य है जो कि असम है, ठीक है ना, और तीनों तरफ से घिरा हुआ बांग्लादेश से, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें रहीं, अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा हो आप नोट्स प्रिपेयर करते चलिए और बहुत धमाकेदार तरीके से पढ़िए, ठीक है दोस्तों। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अगर आपको कुछ थोड़ी सी भी अगर कुछ लग रहा है कि सर का एफर्ट है तो बताइएगा, और थोड़ा सा बस, और कुछ बस थोड़ी सी सहयोग चाहिए हमें कि आप लोग थोड़ा शेयर करें, बच्चे को कलेक्शन हो जाए, बस बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए, नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। धन्यवाद।